तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आर एस नॉमिनक्लेचर की। और ये आर एस नॉमिनक्लेचर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? बेसिकली कायरेटी सेंटर के लिए यूज करेंगे। क्या इसका पर्पज है? पर्पज है रिलेटिव पोजीशन को बताना किसी भी स्टीरियो सेंटर के अराउंड, यानी स्टीरियोजेनिक कार्बन या कायरल कार्बन के चारों तरफ कौन से ग्रुप्स किधर लगे हुए हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। आर वर्ड लिया गया है रेक्टस से, जो कि एक लैटिन में इसकी मीनिंग होती है राइट, एंड एस इज टेकन फ्रॉम सिंस्टर, जिसकी मीनिंग होती है लेफ्ट इन द लैटिन। ठीक है, सो आर रिप्रेजेंट्स राइट एंड एस रिप्रेजेंट्स लेफ्ट। तो यूज इसका क्या है बच्चों? यूज है आर एस नॉमिनक्लेचर का टू स्पेसिफाई रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड अराउंड कायरेटी सेंटर। राइट बच्चों, इसका कोई रिलेशन नहीं है डेक्स्ट्रो रोटेशन से और लीवर रोटेशन से। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या बताएंगे? स्पेसिफाई द रिलेटिव पोजीशन किसकी, यानी कोई स्टीरियोजेनिक कार्बन है उसके चारों तरफ ग्रुप्स किस तरीके से लगे हुए हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उनकी क्या पोजीशन है, इसको हम लोग बताएंगे। दूसरा, डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करने में, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। यानी अब आप R और S की हेल्प से ये बता सकते हैं कि भाई ये दो स्ट्रक्चर्स अगर आपको दिए गए हैं तो वो एनेंसियोमर्स हैं कि नहीं है, वो डायस्टीरियोमर्स हैं या नहीं है। यानी डिफरेंट टाइप के आप जो भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ R एंड S। फॉर एग्जाम्पल एनेंसियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, इवन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है तो उनको भी आप बता सकते हैं, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स। राइट, तो इस तरीके से डिफरेंट आइसोमर्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का आपस में आप एक रिलेशन बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आर एंड एस नॉमेनक्लेचर। सो दिस टू आई मीन मेन यूज ऑफ दिस आर एंड एस नॉमेनक्लेचर। तो डेफिनेटली ये काफी हेल्प करेगा आप लोगों की डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर करने में, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताइए ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर्स हैं कि डायस्टीरियोमर्स हैं, या इनमें आपस में क्या रिलेशन है, कहीं ये सेम मॉलिक्यूल तो नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इसका यूज है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बच्चों, आर एंड एस हैज नो रिलेशन विथ ऑप्टिकल रोटेशन। रिमेंबर, डोंट कंफ्यूज कि भाई हम R और S से ये बता लेंगे कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है R और S का किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल रोटेशन से। मींस क्या हम लिख सकते हैं? R मे नॉट बी D प्लस, मतलब R
जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसी तरीके से अगर किसी का कॉन्फिगरेशन एस है दैट ऑल्सो मे नॉट बी एल माइनस, राइट। तो कहने का मतलब है आर वो डी प्लस भी हो सकता है और एल माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और डी प्लस एल माइनस एंड एल माइनस डी प्लस, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि अगर आर है तो वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये एक प्योरली थ्योरेटिकल तरीका है डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर्स। हाँ, डेफिनेटली अगर दो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और उनका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ रहा है तो उसमें से एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा डेफिनेटली लीवो होगा, ये आप बता सकते हो। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा डेक्स्ट्रो होगा और कौन सा लीवो होगा जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी मॉलिक्यूल में डी प्लस का कॉन्फ़िगरेशन आर मिल जाए और L माइनस का S मिल जाए, लेकिन ये बात हमेशा ट्रू नहीं होगी, ठीक बात, ठीक है। तो देखिए R और S का हमने फुल फॉर्म देखा, क्या यूज है इसका हमारे लिए हमने वो देखा। अब देखिए कैसे हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे R और S को। तो ये जो नॉमिनक्लेचर है R S नॉमिनक्लेचर, दिस इज बेस्ड ऑन द CIP रूल और determined by CIP rule, जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं CIP rule, राइट। एंड CIP rule से हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे उनको प्रायोरिटी अलॉट करेंगे और फिर प्रायोरिटी के बेसिस पर हम लोग देखेंगे CIP रूल से। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये है, चार ग्रुप्स लगे हुए हैं, इन चारों ग्रुप्स को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। मान लेते हैं W, X, Y एंड Z है, ठीक है। ये स्टीरियोजेनिक कार्बन है, इसके चारों तरफ ये चार ग्रुप्स लगे हुए हैं, मान लेते हैं आइटम है या कोई भी ग्रुप है, मान लेते हैं इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, इसकी सेकंड है, इसकी थर्ड है और इसकी फोर्थ है। तो ये कैसा, किस फार्मूले में मैंने रिप्रेजेंट किया है बच्चों यहां पे इस मॉलिक्यूल को, ये फार्मूला है फिशर प्रोजेक्शन। तो अब बताइए इसमें प्रायोरिटी क्या हुई डिफरेंट ग्रुप्स की। तो प्रायोरिटी का ऑर्डर ये हो गया W मैक्सिमम प्रायोरिटी, फिर X की, फिर Y की, फिर Z की। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अब आप अगर W, X, Y और Z को ग्रुप ले लें तो आप उस हिसाब से CIP रूल की हेल्प से प्रायोरिटी अलॉट कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते हैं यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, ठीक। अब इसमें सबसे पहला काम आप लोग प्रायोरिटी अलॉट करेंगे। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में। मैं आपको सारे फार्मूलों में R एंड S डिटरमाइन करना सिखाऊंगा कि कैसे आप डिफरेंट फार्मूलों को, सबसे आसान है बच्चों फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में इसको डिटरमाइन करना। तो देखिए सबसे पहला काम स्टेप वन आप क्या करेंगे, प्रायोरिटी अलॉट करेंगे अराउंड द स्टीरियोजेनिक कार्बन। तो प्रायोरिटी बताइए, ब्रोमीन क्लोरीन एंड OH पहला अटैच एटम, यहां पर H है तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इसका है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, इसको सेकंड प्रायोरिटी मिल जाएगी, इसको थर्ड प्रायोरिटी मिल जाएगी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो क्या हो गया बच्चों यहां पे ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। So assign the priority, step one, determine the priority to the groups around
काइरल कार्बन, काइरल कार्बन के अराउंड आप इन ग्रुप्स को प्रायोरिटी डिटरमाइन करिए। वो आपने कर लिया, हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको मिल गई ब्रोमीन की, फिर है क्लोरीन की, फिर है OH की, फिर है H की। ठीक है, तो ये है बच्चों स्टेप वन, आपने प्रायोरिटी अलॉट कर ली। अब आइए स्टेप टू, दूसरा स्टेप क्या आप लेंगे इसमें। स्टेप टू आप देखेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में, इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, इन फिशर प्रोजेक्शन शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फाइंड द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ग्रुप। सो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, यहां पर हाइड्रोजन है, कोई जरूरत नहीं हमेशा हाइड्रोजन ही हो, लेकिन इस केस में हाइड्रोजन है। सो दिस इज द लोवेस्ट प्रायोरिटी, दिस इज द लोवेस्ट प्रायोरिटी। ठीक, तो दूसरा स्टेप आपका क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आपके सामने जो भी फार्मूला दिया गया है, आपने प्रायोरिटी अलॉट कर दिया हर एक ग्रुप को, और फिर आप ये ढूंढिए कि लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कौन सा है, आपने वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको स्टेप थ्री देखना है, स्टेप थ्री, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप is on vertical line, then vertical line पे चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो उससे कोई मतलब नहीं है, then no need to do anything or no need to change anything, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, vertical line, then no need to change or no need to do any operation on the molecule or no need to interchange any group. Right? Step 4. तो स्टेप थ्री अब हम लोग पहले यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है तो ठीक है, जब नहीं होगा तब देखेंगे हम लोग स्टेप थ्री। अब स्टेप फोर अब आपको क्या करना है, यू हैव टू मूव लाइक दिस फ्रॉम 1 to 2 to 3। ध्यान रखना बच्चों, एक से दो आप मूव करो, दो से तीन, अगर चार यहां पर है एक और दो के बीच में तो भी आप इसको इग्नोर करो, और अगर चार यहां पर है इन दोनों के बीच में तब भी इग्नोर करो। अगर आपके इस रास्ते में एक से दो से तीन में आपका जो रास्ता है वो क्लॉकवाइज बन रहा है, कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज रास्ता है अगर 1 2 2 3 तो ये कॉन्फिगरेशन हो जाएगा आर। ठीक है, और अगर 1 से 2 2 से 3 के का रास्ता जो है 4 यहां पर भी अगर है तो भी नहीं ध्यान देना है, यहां इन दोनों के बीच में है तब भी नहीं ध्यान देना है। अगर आपका रास्ता काउंटर क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज तो ये कॉन्फिगरेशन हो जाएगा S। ठीक है बच्चों, तो ये चार सिंपल स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से आप R और S डिटरमाइन कर सकते हैं, किस फार्मूले में, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में। अभी हम लोग बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले की ही सिर्फ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, फर्स्ट से हमें सेकंड को देखना है। देखिए ये लिखा गया, 1 के बाद आपको 2 पे जाना है, तो 1 के बाद आप 2 पे जाइए, 2 के बाद 3 पे जाइए, 3 के बाद 4 पे जाइए। तो ये कैसा रास्ता मिल रहा है आपको, 1 से 2 2 से 3, 4 तो 3 के बाद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो इस स्टीरियोजेनिक कार्बन का जो कॉन्फिगरेशन है वो क्या हो जाएगा, S। तो क्या हो जाएगा बच्चों, S। तो ये जो कंपाउंड है इसमें काइरल कार्बन का जो कॉन्फिगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन आया वो क्या आया, S। तो फिर से एक बार मैं क्विक रिवीजन, डिटरमाइन द प्रायोरिटी,
आप इन सारे ग्रुप्स की प्रायोरिटी अलॉट करिए। दूसरा स्टेप, लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप आइडेंटिफाई करिए। फिर तीसरा स्टेप, लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप देखिए वो वर्टिकल लाइन पर है या हॉरिजेंटल लाइन पर है। अगर वो वर्टिकल लाइन पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। देन यू हैव टू फॉलो द स्टेप 4, जिसमें कि आप मूवमेंट करेंगे, पहले ग्रुप से दूसरे पर जाएंगे, दूसरे से तीसरे पर। और अगर 1, 2, 3 का रास्ता, 4 को तो देखना ही नहीं है आपको, कहीं भी 4 हो, अगर ये रास्ता आपका 1, 2, 2, 3 का पाथ जो है वो क्लॉकवाइज मिलता है तो आर हो जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज मिलता है तो एस हो जाएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। अब देखिए इसको अप्लाई करिए आप लोग एक दूसरे मॉलिक्यूल पर। मान लेते हैं कि यहां पर दिया हुआ है OH, यहां पर दिया हुआ है COH, यहां पर दिया हुआ है CH3 और यहां पर है H। ठीक, सबसे पहले देखिए ये स्टीरियोजेनिक कार्बन, अगर स्टीरियोजेनिक कार्बन ही नहीं है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर ऐसे सिस्टम को आपको R और S नॉमिनिक्लेचर नहीं करना है। अब देखिए इसमें प्रायोरिटी अलॉट करिए तो इस ग्रुप को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इस ग्रुप को मिलेगी सेकेंड प्रायोरिटी, इसको मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी। अब आप CIP रूल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं दूंगा। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी ये हो गया, फिर सेकंड प्रायोरिटी इसकी हो गई, थर्ड प्रायोरिटी इसकी हो गई, फोर्थ प्रायोरिटी यानी लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये हो गया। कहां पर है? वर्टिकल लाइन पर है। वर्टिकल लाइन पर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सिंपल जो है क्या करो, 1 से 2 चलो, 2 से 3 चलो और आपको ये रास्ता मिल रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर हो गया क्या, S। ये क्या हो गया, S। ठीक बात। अब अगर हम लोग इसी मॉलिक्यूल का मिरर प्लेन ले लें बच्चों, अगर इस मॉलिक्यूल को हम लोग मिरर प्लेन में ले लें तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को मिरर प्लेन में ले, मिरर में, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों? यहां पर COH रहेगा, यहां पर H रहेगा, OH यहां आ जाएगा, इसका इमेज यहां पर, इसका इमेज यहां पर, CH3। फिर से हम प्रायोरिटी अलॉट करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अभी भी वर्टिकल लाइन पर है तो फिर से हम लोग वही मूवमेंट शो करेंगे। तो कैसा रास्ता मिल रहा है, 1, 2, 2, 2, 3 क्लॉकवाइज, तो क्या बन गया यहां पर, S, सॉरी R। तो ये स्ट्रक्चर हमारा हुआ S, ये स्ट्रक्चर S, और इसका जो मिरर इमेज हम लोगों ने लिया वो उसका कॉन्फिगरेशन क्या गया, R। और क्या मैंने आपको बताया था फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में इससे पहले वाले लेक्चर में, कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का स्टीरियो आइसोमर का मिरर इमेज अगर हम लोग लेते हैं और मिरर इमेज अगर वो नॉन सुपर इम्पोज कर रहा है तो वो एक दूसरे के एनेंसियोमर्स होते हैं। यहां पर भी आप देखो बच्चों, अब आप आर और एस की हेल्प से भी बता सकते हो, अगर एक स्टीरियोजेनिक कार्बन है और इसका कॉन्फिगरेशन एस है और इसका कॉन्फिगरेशन आर है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कह जाएंगे, एनेंसियोमर्स, एनेंसियोमर्स। यानी अब ये दोनों मॉलिक्यूल, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सेम मॉलिक्यूल नहीं है, दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं और क्या रिलेशन है आपस में, इनका एनेंसियोमर्स हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला डेक्सट्रोरेटरी है या ये वाला, हाँ ये जरूर है कि अगर ये डेक्सट्रो है तो ये लीवो होगा और अगर ये लीवो है तो ये डेक्सट्रो होगा। तो आर और एस का डेक्स्ट्रो और लीवो से कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इसका सिर्फ मतलब है रोटेशन ऑफ प्लेन, ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट डी प्लस और एल माइनस का कोई आर और एस से कोई रिलेशन नहीं। तो धीरे धीरे मैं अब और आगे बढ़ता हूं बच्चों, अगला केस लेता हूं कि जब लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो तब क्या। तो बाकी सारे स्टेप्स तो वही रहेंगे, मान लेते हैं कि लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप मान लेते हैं ये कंपाउंड है। अब इसमें फिर से आप लोग प्रायोरिटी अलॉट करिए,
इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इस ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक, अब यहां पर फिर हम लोगों को एक नोट ऐड करना पड़ेगा। नोट, इफ द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ द लीस्ट प्रायोरिटी और लोवेस्ट प्रायोरिटी, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, देन ऑन मूविंग 1, 2, 2, 2, 2, 3 डोंट बॉदर अबाउट 4 इफ योर पाथ इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इफ यू आर गेटिंग पाथ क्लॉकवाइज देन द कॉन्फिगरेशन इज एस, देन द कॉन्फिगरेशन इज एस एंड इफ यू आर गेटिंग द पाथ फ्रॉम 1, 2, 2, 2, 2, 3 काउंटर क्लॉकवाइज देन और एंटी क्लॉकवाइज देन दिस इज आर, राइट। सो इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इन फिशर प्रोजेक्शन नॉट इन ऑल फॉर्मूला, राइट, इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, देन आई एम मूविंग 1, 2, 2, 2, 3 इफ क्लॉकवाइज यू आर गेटिंग देन दिस इज एस एंड इफ योर पाथ इज काउंटर क्लॉकवाइज देन योर कॉन्फिगरेशन इज आर, राइट। नाउ यू कैन सी हियर, you if you move from 1 to 2, 1 to 2 to 3 so your path is what, counterclockwise, then the configuration is R. See, if your path is anticlockwise or counterclockwise then the configuration is R. So the configuration is here R. Clear to everyone? Okay, now you can see if you take mirror plane, this molecule in the mirror plane, then H will come this side, OH will come this side, CH3 will be here, COH will be here. Now put the priority, this is first priority, this is second priority, this is third priority and this is fourth priority. Fourth priority group it on the horizontal line, so move 1, 2, 2, 2, 3 this is you are getting clockwise, so the configuration is S. Why this is S? Because lowest priority group is the on the horizontal line. So in the Fischer projection formula, this is the simple way to determine the absolute configuration of the molecules or absolute configuration for the stereogenic center, right? So these two structures, first and second, these two structures are enantiomers. So what is the relation between these two? They are 1 and 2 are enantiomers. Enantiomers, right? Now you can see next example. Suppose that this question is given here, OH is there. Here fluorine, here CH3 and here H, right? And one more structure is given to you, FHOHCH3. Suppose that the question is asked that what is the relation between these two structures, right? So see how step by step all four groups are different, so this is stereogenic. So you can take the help of R and S to answer this question. First you have to allot the priority. So this is first priority, this is second priority, this is third priority and this is fourth priority. Fourth priority group, it is on the vertical line, so you have to follow the rule 1, 2, 2, 2, 3, so this becomes R.
एंड हियर फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज हियर, सेकेंड प्रायोरिटी ग्रुप इज हियर, थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप इज हियर एंड फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज हियर. हियर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज स्टिल ऑन द वर्टिकल लाइन, सो यू हैव टू फॉलो द सेम रूल. You have to move 1 to 2, 2 to 3. So what path you are getting again clockwise. So this is R. So since in first and second, these two structures, the absolute configuration of the stereogenic carbon is same. So these two are same molecule. So what is your answer? First and second are same molecules. So this is the way to identify different relation or to find a relation between two structures if they were given, right? And if you can remember, so if you are able to remember, so I have told you that in the if you take the Fischer projection formula and if you rotate the molecule on the plane of the paper by 180 degree, so there is no change in the configuration. So you can see here, you will get this structure. By rotating this molecule like this, 180 degree in the on the plane. So after rotation on the plane by 180 degree, we are getting the same molecule. But instead of doing this method that you are observing the rotation and reflection, all these things, you can very easily answer by assigning the configuration to the stereogenic carbon by this CIP rule, right? So this is the simplest way to identify the relation between two structures, whether they are enantiomers or simple molecule, same molecule, or they are diastereomers, right? वेल अब बच्चों हम लोग देखते हैं 3D स्ट्रक्चर. अगर कोई भी मॉलिक्यूल 3D स्ट्रक्चर में दिया गया है और उसके पास एक स्टीरियोजेनिक कार्बन है तो हम लोग कैसे उसका एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन निकालेंगे. मान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर दिया गया है, Cl, pH, H, COH. मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर दिया गया है. तो अब आपके पास दो तरीके हैं. या तो आप इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करिए और फिर जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऊपर देखा है उसके यूज करिए, और आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर में डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो मैं दोनों तरीका आपको सिखा देता हूं. देखिए, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं फिशर प्रोजेक्शन में तो क्या करेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया था, आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए जो डैश वेज के साथ है वो बिहाइंड द प्लेन है. तो ये हाइड्रोजन यहां पर होगा और इस कार्बन से ये तीनों ग्रुप्स लगे होंगे. ठीक है, और आप उसी सीक्वेंस में लिख दीजिए COH, COH के लेफ्ट PH, PH के लेफ्ट Cl. तो अगर आप यहां से शुरू करते हैं, यहां पे COH लिखते हैं तो यहां पर PH होगा और यहां पर Cl होगा. ठीक है, तो Cl यहां नहीं हो सकता और PH यहां नहीं हो सकता. देखिए, COH, PH, Cl, COH, PH, Cl, इसी सीक्वेंस में. अब आप इसको ट्रांसफार्म कर लीजिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में. फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में आप इसको ट्रांसफार्म कर लीजिए. फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में इस एच को, ये जो कि डैश लाइन के साथ था, ये वर्टिकल लाइन पे, आप इसको नीचे लिख दीजिए और यहां पर मान लेते हैं COH को आपने लिखा, यहां पर COH को लिखा, इसके राइट Cl है और Cl के लेफ्ट PH है. राइट, COH के लेफ्ट Cl, COH से इधर Cl, Cl के लेफ्ट PH, तो ये बन गया. ठीक है, अब आप इसमें फिर वही प्रोसीजर लीजिए. हाईएस्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको है, सेकंड प्रायोरिटी पर ये है और थर्ड प्रायोरिटी पर ये है और लोवेस्ट प्रायोरिटी इसकी है. तो दिस इज द लोवेस्ट प्रायोरिटी. लोवेस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर है, कुछ नहीं सोचना है आपको. आप 1, 2, 2, 2, 3 फॉलो करिए क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फिगरेशन हो गया R. राइट, इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो गया R. वेरी सिंपल.
आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसमें प्रायोरिटी इसी में डायरेक्टली अलॉट कर दीजिए आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और इस स्ट्रक्चर में इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी ग्रुप जो जो कि यहां पर हाइड्रोजन है, राइट, इज ऑन डैश बेस, डैश बेस, देन क्या करना है? अगर आपको 1 2 2 कुछ नहीं करना, कोई इंटरचेंज नहीं करना, 1 2 2 2 2 3 अगर आपको पाथ मिलता है क्लॉकवाइज तो R हो जाएगा, और अगर आपको पाथ मिलता है 1 2 2 2 2 3 क्या मिलता है, काउंटर क्लॉकवाइज मिलता है रास्ता आपको, तो ये S हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए नंबर 1 पर रखिए और नंबर 2 को देखिए, नंबर 4 रास्ते में है तो कोई मतलब ही नहीं है उसको ध्यान देने का, तो आपको कैसा रास्ता मिल रहा है, क्लॉकवाइज। लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ पे है, हमारे डैश वेज पर है, तो कुछ नहीं करना है, हम लोग इसको मूव कराएंगे और क्या मिल जाएगा, कॉन्फिगरेशन आर। तो देखिए यहां पर भी इस मेथड से भी आर आपको मिल रहा है और इस मेथड से भी आर मिल रहा है, जो आपको आसान लगे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 3D स्ट्रक्चर अगर गिवन है तो उसमें भी आप प्रायोरिटी अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए अगर यहां पर लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप जो है वो डैश वेज पे नहीं है, सॉलिड वेज पे है, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, और अगर वो नाइदर ऑन सॉलिड वेज नॉर ऑन डैश वेज, तब आप क्या करेंगे? तो एक एक एग्जांपल हम लोग एक एक करके देखते हैं। मान लेते हैं दूसरा केस हमें दिया गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया गया, तो अब आप चाहो तो इसको पहले फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो फिशर प्रोजेक्शन में जब आपको कन्वर्ट करना होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, OH, OH और CHME2 अगर हम लोग यहां पर लिखते हैं, आप फ्री हैं कहीं भी लिख सकते हैं CHME2, तो इसके लेफ्ट में F और यहां पर M, और अब आप इसको ट्रांसफार्म कर लीजिए फिशर प्रोजेक्शन में, तो OH यहां पर आ जाएगा और CHME2 अगर यहां पर है तो ME यहां पे आ जाएगा और F यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें प्रायोरिटी अलॉट करिए, इस ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, इसको थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है। ठीक है, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर ये है तो वर्टिकल लाइन पर है, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप 1 से मूवमेंट शुरू करिए, 1 2 2 2 2 3 क्या मिल रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया S, क्या हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन S। अब देखिए अब यहां पर इस स्ट्रक्चर में चलते हैं, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकेंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी। तो अब की बार फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप ना तो डैश वेज पे है ना सॉलिड वेज पे है, तो क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में आपको 2 इंटरचेंज करने के बाद ये स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सिमिलर स्ट्रक्चर मिल सकता है। तो अगर 2 ग्रुप्स का आप इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, और 2 इंटरचेंज करते हैं तब आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, और अगर आप एक ही इंटरचेंज करेंगे तो अलग स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां से तो हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कन्वर्ट करके निकाल दिया है, ये S है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, देखिए अगर लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप नाइदर सॉलिड वेज नॉर डैश वेज है तो कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करें, हम लोग इन दोनों को इंटरचेंज कर, तो ये 1 इंटरचेंज 90 डिग्री का माना जाएगा इसको फिशर प्रोजेक्शन में, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं
तो 90 डिग्री के वन इंटरचेंज से आइडेंटिकल स्ट्रक्चर या सिमिलर स्ट्रक्चर या सिमिलर कॉन्फिग्रेशन नहीं मिलता है, हमेशा एनेंसियोमर मिलता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखते हैं, एम ई को यहाँ लिख दिए और सी एच एम ई टू को यहाँ लिख दिए और ओ एच को यहाँ लिख दिए और एफ को यहाँ पर लिख दिया, तो ये स्ट्रक्चर जो है और ये स्ट्रक्चर, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप तो आप यहां पर ले आए जहां आप चाहते थे, लेकिन अभी एक ही इंटरचेंज हुआ है, तो आप इन दोनों ग्रुप्स में से, इन्हीं दोनों को चेंज किया, इसमें से किसी एक ग्रुप को, तो हमने फिर से OH को और F को, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए फिर से हमने 90 डिग्री इंटरचेंज किया, 90 डिग्री इंटरचेंज किया तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए F यहां आ गया, OH यहां आ गया, ME यहां आ गया और ये CHME2 यहीं रहा, राइट। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक केस बताया था फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में कि अगर एक ग्रुप को आप कांस्टेंट रख करके तीनों को एक डायरेक्शन में चेंज करते हैं क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज तीनों ग्रुप को, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अब देखिए दूसरा चेंज हमने कर दिया, 90 डिग्री का इंटरचेंज कर दिया। अब अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये है फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप, ये है फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप, ये है सेकंड प्रायोरिटी का ग्रुप, ये है थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप। तो अगर हम 1 2 2 2 2 3 2 4 चल रहे हैं तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, काउंटर क्लॉकवाइज। और अगर आप ध्यान से देखें तो फिशर प्रोजेक्शन में ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया, एस, ठीक है। तो अब अगर हम इसको थर्ड स्ट्रक्चर माने तो फर्स्ट एंड थर्ड ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रिलेशन मिलेगा, लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप यहां आ चुका है तो आप अगर इसमें निकालना चाहते हैं तो 1 2 3 4 यहां से आप मूव करेंगे इस तरीके से क्लॉकवाइज 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, आर। इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड आर एनेंसियोमर्स, एनेंसियोमर्स, एंड सेकंड एंड थर्ड आर आल्सो एनेंसियोमर्स, एनेंसियोमर्स। देखिए आप यहां पे आर आ रहा है और यहां पर क्या रहा, एस, तो सेकंड और थर्ड भी एनेंसियोमर्स होंगे एक दूसरे के, फर्स्ट और सेकंड भी एक दूसरे के एनेंसियोमर्स होंगे और फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो बच्चों आप जैसा चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप, जो कि ये लोवेस्ट प्रायोरिटी है, अगर ये ना तो सॉलिड वेज पे है ना डैश वेज पे है, अगर ये और किसी के साथ है तो आप इसको दो इंटरचेंज करके, ठीक है, तो मैं इसको, इस बात को नोट कर दे रहा हूं, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द plane of the paper bond that is not on solid base or dash base, right, then bring the lowest priority group on dash base
डैश वेज बाय टू इंटरचेंज, बाय टू इंटरचेंज राइट, एंड देन असाइन द कॉन्फिगरेशन, देन असाइन द कॉन्फिगरेशन राइट. तो इस तरीके से आप कॉन्फिगरेशन असाइन कर सकते हैं. अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर दिया गया है, अब देखिए प्रायोरिटी अलॉट करिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको एंड फोर्थ प्रायोरिटी इसको. तो ये हो गया लोवेस्ट प्रायोरिटी. अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो यहां के लिए भी एक रूल नोट कर लीजिए, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन सॉलिड बेस, solid base on this, then moment of 1, 2, 2, 2, 3, if your this moment is clockwise, then the configuration is S, and if 1, 2, 2, 2, 3 is counterclockwise path, then R, right? So now you can see here, you can put your pen at 1, follow to 2, to 3, ignoring 4, don't bother about 4. So 1, 2, 2, to 3, this is counterclockwise, so our path is counterclockwise, then the configuration is R. So this is R. Now you can cross-check this answer by converting this into the Fisher projection formula. So if you want to convert this in the Fisher projection formula, so OH will be here, and H here, BR here, and CS3 here. So now transform this. This is OH, right? Now transform this. If you transform, OH will be here, and if H is here, CS3 is here, BR is here. Now assign the priority, first, second, third, and fourth. So fourth priority group, it is on the horizontal line. So on moving 1, 2, 2, 2, 3, counterclockwise. So counterclockwise will give you the configuration R, right? Configuration R. As we have already know that in Fisher projection formula, if lowest priority group, it is on the horizontal line, then the counterclockwise rotation will give you R and clockwise rotation will give you S. So this is the way how to find out R and S, means absolute configuration for the chiral carbon in 3D structure of the molecule. So I have shown you here interconversion in Fisher projection as well as directly in this structure.